आगरा शहर में जगह जगह भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। वही अवधपुरी की क्षेत्रीय कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि प्रशासन को एक महीने पहले भीमनगरी के लिए अवगत करा दिया गया था, लेकिन प्रशासन द्वारा अवधपुरी का मेन रोड छोड़कर अन्य कॉलोनियों के रोड बनवा दिए गए हैं। अवधपुरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कॉलोनियों जैसे रेलगिरी, महारानी बाग, नीलगिरी, कलवारी, बिलासगंज के नागरिकों द्वारा 20 सालों से भीमनगरी का आयोजन किया जा रहा है। भीमनगरी के लिए नगर निगम द्वारा सभी कार्य सुविधाजनक कराए गए हैं। ये बाबा साहब की 132वीं जन्म जयंती का आयोजन किया जा रहा है। ये अवधपुरी है और अवधपुरी में यहाँ नीलगिरी, अवधपुरी, महारानी बाग, कलवारी, दीप एंकले, बिलासगंज, आसपास की जितनी कॉलोनियां हैं, जितनी कॉलोनियां आसपास, सब मिलके गत लगभग 20 साल से ये कार्यक्रम यहाँ क्षेत्रीय आयोजन होता रहता है। अब कि इस क्षेत्र को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जो भीमनगरी का बड़ा कार्यक्रम होता था वो भी इस क्षेत्र को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसके सहारे से हमारा पंचशील वाला जो लगभग 2009 का बना हुआ रोड है वो बन गया है। इधर हमारा अलवतिया रोड वो भी बन गया है। इससे अवधपुरी चौराहे से आगे बन गया है, एक छोटा सा टुकड़ा ये रह गया है। नगर निगम की ओर से क्या कार्य हुए हैं, सफाई को लेकर के, लाइट को लेकर के? नगर निगम के जो लट्ठे गड़े हैं, सब डिवाइडरों पे लट्ठे गड़े हुए हैं, इन नए लट्ठे पे और सब पे लाइट लगाई गई है नगर निगम से। और सुबह नगर निगम की तरफ से पूरे रोड की सफाई करी गई है, चूना डाला गया है और फॉकिंग की गई है। हम सभी नगर निगम को और माननीय क्षेत्रीय विधायकगण, मंत्रीगण सबको धन्यवाद देंगे क्या उन्होंने पूर्ण मिलकर सहयोग किया। सहयोग तो मिला लेकिन हमारा मेन रोड नहीं बना किसी भी कारण रहा, और तो सहयोग और रोड बने लेकिन जो मेन रोड था वो नहीं बनाया। इसके बारे में आपने किसी से जानकारी? सब प्रशासन को लिख के दिया, सब कुछ किया। कितना समय हो गया? करीब 2 महीने भर से है, कह रहे हैं रोड बनेगा बनेगा, बाद में मना कर दिया। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए राजेश शर्मा की रिपोर्ट।